हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा है हेलो एल्केन अपन कैसे बनाते हैं, उनका विरचन किन किन तरीके से अपन ने किया है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉपिक अपने को पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन का निर्माण अपन ने किन किन मेथड से किया है, क्योंकि जब टॉपिक अपने दिमाग में होता है तो उसे फाइंड आउट करना काफ़ी आसान रहता है। इसे आप इसी इजी तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अपने कोई क्वेश्चन आया, बाय द वे अपने दिमाग में नहीं है और अपन ये जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कि सेकंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो अपना दिमाग क्या करेगा, उस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खंगालेगा, उसमें से उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करेगा, जो कि काफी जटिल है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या उसमें से उस आंसर को निकालना अपने दिमाग के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यदि अपन ये चीज जाने कि ये क्वेश्चन जो आया है एग्जाम के अंदर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10वें चैप्टर से है, तो अपना दिमाग क्या करेगा, बाकी वाले चैप्टरों को थोड़ी ढूंढेगा, वो 10वें चैप्टर में उसका आंसर तलाश करने का प्रयास करेगा, जो कि पहले के कंपेयर में थोड़ा आसान हो जाता है उसका आंसर बाहर निकालना। और यदि पर्टिकुलर अपन ये जानते हैं कि ये उस टॉपिक से 10वें चैप्टर के उस टॉपिक से, तो अपना दिमाग सिर्फ उसी टॉपिक पर काम करेगा और अपन लगभग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये कब की बात है, जब पूरी तरह से वो आंसर अपने को कंप्लीटली नहीं आ रहा, मतलब अच्छे तरीके से अपने दिमाग में नहीं है, तो उस समय ऐसी स्थितियां बनती हैं और टॉपिक जब अपने दिमाग में होता है कि ये भाई उस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो अपना दिमाग आसानी से वहां से उसका आंसर है वो निकाल सकता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जैसे ही आपके चैप्टर चलते हैं, आप प्रत्येक चैप्टर के साथ एक चार्ट आप बना के रखेंगे। ये चार्ट मैं भी आपको बना के दे सकता हूं, लेकिन मेरा बनाया हुआ चार्ट जो है वो आपके ज्यादा काम नहीं आएगा, आप खुद बनाते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। उसका कारण ये, क्योंकि कुछ चीजें अपने को चार्ट के अंदर क्या करना होगा, सिर्फ वही चीजें ऐड करनी होंगी जिनके बेस से अपन उसका पूरा आंसर निकाल सकते हो, तो छोटे छोटे पॉइंटों में। जैसे हेलो एल्केन का विरचन था, तो विरचन में अपन ने किन किन से किया, और उसके अंदर जैसे आपने किया एल्केन से, अब एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता है, कितना मैटर आपको चाहिए इस चार्ट में, वो आपको इसके नीचे कोई कोष्टक के अंदर लिख लेना है। नॉर्मली कंप्लीट समीकरण चाहिए तो आप इसके नीचे समीकरण डाल सकते हो ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए तो वो आप इसके नीचे ऐड कर सकते हो, जितना संभव वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे अपना विरचन के अंदर पहला एल्केन से हो गया, दूसरा जैसे एल्किन से हो गया, अब यहां आपको जो मैटर चाहिए वो आप इसके नीचे ऐड कर सकते हो। एल्किन के बाद जैसे एल्कोहल से हुआ, एल्कोहल में जो जो मैटर अपने को चाहिए वो अपन इसके नीचे ऐड कर लेंगे। हेलोजन विनिमय में आपको क्या क्या मैटर चाहिए वो इसके नीचे ऐड कर लेंगे। तो ऐसे करके एक छोटा सा चार्ट अपने एक बना के रखेंगे, जिससे ये रहेगा भी हाँ हेलो एल्केन का विरचन इन इन समीकरण से होता है, और फिर उस चार्ट को देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सी ये सब चीजें अपने को अच्छे से आती हैं। अगर बाय द वे किसी में प्रॉब्लम आपको लग रही है तो उसको अपने नोट्स के अंदर जाके पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया हर एक समीकरण जब आप करो वो आपको परफेक्टली पता होना चाहिए। परफेक्टली पता होने का मतलब कि कौन रिएक्शन करेगा और कहां करेगा, क्या बनेगा, वो सब आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि समीकरण लिख दिया उसको यों का यों याद करना शुरू कर दोगे, ऐसे याद करोगे तो वो आप वापस भूल जाओगे,
हाँ, जब आप ये जानते हो कि इस समीकरण के अंदर ये रिएजेंट बनेगा और ये यहां क्रिया करेगा और इसका ये प्रोडक्ट आएगा, तो आप उसे कभी नहीं बोलोगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है कि आप समझ नहीं पाते हो इन चीजों को, कि एक रिएक्शन को देखकर आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें रिएजेंट कौन सा बन रहा है, कहां क्रिया करेगा, किस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो आप उसके बारे में कमेंट करके मेरे को बताइए, तो मैं आपको उसके बारे में अगली क्लासों में या अन्य वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो जरूरी है कि आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ के समझ के, कहीं कोई दिक्कत लग रही है वो पूछिए। तो हेलो एल्केन के विरचन से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके दिमाग में रहती है तो आप उसके बारे में उसका निवारण आप करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के भौतिक गुण। हेलो एल्केन एल्केनों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो देखिए बच्चों, भौतिक गुणों की अगर अपन बात करें तो मोस्टली अपने ये जो 10, 11, 12 और 13 के चैप्टर हैं उन सभी के अंदर ये चार मेन टॉपिक अपने पास होते हैं। एक विरचन, दूसरा उसके भौतिक गुण, तीसरा उसके रासायनिक गुण और एक सामान्य गुणों से रिलेटेड जैसे उसकी परिभाषा टाइप कुछ इस प्रकार से। तो ये भौतिक गुण जो है ये सभी चैप्टरों में बहुत ही आसान है, बहुत ही कॉमन है। लास्ट में मैं आपको इन भौतिक गुणों को सभी चैप्टरों के मैं एक साथ पढ़ा दूंगा तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। भौतिक गुणों की अगर मैं बात करता हूं तो यहां देखिए मोस्टली बच्चों अपने से चार चीज, मैंने इसको चार टुकड़ों में तोड़ के रखा हुआ है, बाकी तो मतलब अपन ज्यादा भी मान सकते हैं इनको। तो एक तो रंग और गंध, गंध वाला बहुत ही रेयर है, ये अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड होता है, यहां पर मोस्टली रंग की बात करते हैं। एक अपन यहां डाल सकते हैं विलयता, जो कि आपको हर चैप्टर में आपको इन चीजों के बारे में बताना होगा, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में मैं आपको जोड़ के लिख देता हूं गलनांक, क्वथनांक व घनत्व। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। तो यहां मैंने आपके इसके टोटल फिजिकल प्रॉपर्टीज को चार भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, रंग और गंध की अगर मैं बात करूं तो यहां रंग देने वाले जो अपन मोस्टली कंपाउंड पढ़ेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उनमें से एक तो अपने पास आएगा आयोडो एल्केन। वैसे एक्चुअली में ये रंग ही नहीं है, लेकिन आयोडीन वाष्प बनने की वजह से ये बैंगनी दिखता है, ठीक है। और एक एल्किल ब्रोमाइड जो है ये भी ब्रोमीन वाष्प अगर बनती है तो अपने को ये लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही रेयर है, ठीक है ना। ब्रोमीन वाष्प वैसे एक्चुअली में
नॉर्मली टेम्परेचर पर नहीं बन पाती है। तो और इसी गैस आयोडीन की स्मेल आप जानते ही हो, ठीक है, क्लोरीन की तो रेयर रो नॉर्मली बनेगी नहीं, ठीक है ना, तो उनको आप छोड़ सकते हो। तो रंग की अगर अपन बात करें तो एक तो अपने पास रंग में कौन आता है, आयोडो एल्केन आता है, एक अपन नेक्स्ट यानी 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे फिनॉल, ये भी एक्चुअली में रंगहीन है लेकिन ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकृत होने की वजह से ये गुलाबी रंग का दिखता है, वो अपन वहां उसके बारे में बात करेंगे। एक एनिलिन होता है जो कि 13वें चैप्टर में अपने को मिलेगा, तो वो भी गहरे लाल रंग का दिखाई देता है। तो कुछ दो तीन ही है कंपाउंड ये जिनको मैं आपको जब साथ में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा उस समय आप इनको याद कर लेंगे। यहां पर मोस्टली क्या डाल देंगे कि ये सामान्यतः क्या हो गए, रंगहीन, लेकिन आयोडीन वाष्प बनने की वजह से आयोडो एल्केन अपने को कैसा दिख रहा है, बैंगनी कलर का दिख रहा है, और विशेष परिस्थितियों में अगर ब्रोमीन वाष्प बनती है तो अपने को ये ब्रोमो एल्केन है ये कैसा दिखेगा, लाल रंग का दिखेगा। तो ब्रोमो एल्केन वाला आप छोड़ भी सकते हो, तो रंग में अपने पास एक आयोडो एल्केन ले सकते हैं और बाकी मोस्टली अपन इसे क्या बोल देंगे, रंगहीन बोल देंगे, ठीक है। विलयता की अगर मैं बात करूं तो देखिए बच्चों अपने को बताना है जल में इनकी विलयता, पिछली क्लास में भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया था कि जल के अंदर मोस्टली कौन से कंपाउंड घुलते हैं जो आयनिक प्रकृति के हैं वो वाले, इसके अलावा जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं वो सहसंयोजी कंपाउंड भी जल में विलय होते हैं, और हाइड्रोजन बंध नहीं बनाने वाले सहसंयोजी और उप सहसंयोजी कंपाउंड जो वो जल के अंदर क्या होते हैं, अविलय रहते हैं। और जो पदार्थ जल में नहीं घुलेगा वो मोस्टली कार्बनिक विलायक में क्या होगा, विलय होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो दोनों में भी नहीं घुलते हो, जैसे अपन ने पीवीसी वगैरह पढ़ा था, लेकिन वो तो अलग बातें हैं। यहां अपन बात कर रहे हैं विलयता की, तो यहां देखिए बच्चों जल के अंदर अब आप इनमें से किसी भी कंपाउंड को देख लीजिए, हेलो एल्केन की अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास हो सकता है क्लोरो एल्केन हो सकता है, ब्रोमो एल्केन हो सकता है, आयोडो एल्केन हो सकता है, कुछ विशेष कंडीशन में अपन फ्लोरो एल्केन भी बना सकते हैं। तो ये कंपाउंड जो है ये जल के अंदर क्या होंगे, देखिए थोड़ा बहुत इसमें आयनिक प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है ना, तो इनको आप आंशिक विलय बोल सकते हो, और अविलय लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो आंशिक विलय, और ये एल्किल ग्रुप जो है हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इनकी जल में विलयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, हेलो एल्केन जल में अल्प या आंशिक विलय होते हैं, और एल्किल ग्रुप बढ़ने के साथ इनकी जल में विलयता कम होती है। तो देखिए बच्चों दो प्रॉपर्टी होगी अपने पास, क्या लिखेंगे, रंगहीन है लेकिन आयोडीन वाष्प बनने की वजह से आयोडो एल्केन बैंगनी रंग का दिखाई देता है। विलयता टॉपिक में अपन लिखेंगे हेलो एल्केन जल में अल्प विलय होते हैं और एल्किल समूह बढ़ने के साथ इनकी जल में विलयता कम होती है, क्लियर। तो यहां से देखिए बच्चों अपना एक क्वेश्चन भी बन जाता है, इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं आता है, मोस्टली इन दो टॉपिक से क्वेश्चन बनता है अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा जाए तो विलयता से जो अपना क्वेश्चन बन रहा है वो क्या बना मेरे पास, जैसे मैं बोल सकता हूं CH3Cl, एक मैं यहां डाल दूं CH3CH2Cl, एक कंपाउंड में डाल दूं CH3CH2CH2Cl, और आपसे पूछूं कि इनका जल में विलयता का क्रम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इनमें सबसे ज्यादा जल में कौन विलय होगा, ये वाला विलय होगा, क्योंकि अभी अपन ने इस चीज के बारे में बताया है कि ये जल में आंशिक विलय
लेकिन एल्किल समूह बढ़ने के साथ इनकी जल में विलयता क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें एल्किल समूह एक कार्बन का, इसमें दो का है, इसमें तीन कार्बन का, तो इसका मतलब सबसे कम विलय कौन होगा, ये वाला होगा। तो अपना क्या क्रम बनता है, सबसे ज्यादा ये, फिर इसके बाद ये, सबसे कम विलयता किसकी, क्लोरोप्रोपेन की। क्लियर? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में लास्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व। किसी भी चैप्टर में आप चले जाओ, इनके लिए एक ही लाइन फिक्स है अपने पास, क्या कि हेलो एल्केन का गलनांक, क्वथनांक और घनत्व उनके द्रव्यमान के समानुपाती और शाखन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये फिक्स लाइन है, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व समानुपाती किसके, द्रव्यमान, और व्युत्क्रमानुपाती शाखन। सिर्फ अपना जो पहला शब्द था वो चेंज होगा। जैसे अपन 11वें चैप्टर में एल्कोहल पढ़ेंगे तो अपन वहां क्या लिखेंगे कि एल्कोहलों का गलनांक, क्वथनांक और घनत्व उनके द्रव्यमान के समानुपाती, शाखन के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट चैप्टर में अपन एल्डिहाइड कीटोन अम्ल पढ़ेंगे तो वहां अपन बता देंगे भाई एल्डिहाइड का गलनांक, क्वथनांक, घनत्व द्रव्यमान के समानुपाती, शाखन के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट चैप्टर में एमीन पढ़ेंगे, वहां बता देंगे कि एमीन का गलनांक, क्वथनांक उनके द्रव्यमान के समानुपाती और शाखन के व्युत्क्रमानुपाती, सभी में कॉमन, तो कहीं कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। यहां क्या चीज समझ में आई अपने कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका गलनांक, क्वथनांक और घनत्व भी ज्यादा रहेगा, और शाखा जिसमें आएगी उसका गलनांक, क्वथनांक और घनत्व क्या होगा, कम होगा। अब बात यह आती है कि यहां से किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, शाखा क्या है, कब यूज करेंगे। तो यहां आपको मैं बहुत ही जरूरी बात बता रहा हूं ये, क्योंकि बच्चे मोस्टली इसमें गलती करते हैं। सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको किसे तलाशना है, किसको नोट करना है, द्रव्यमान को, इसको आप भूल जाओ। सबसे पहले आप किसे ज्ञात करेंगे, द्रव्यमान। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका गलनांक, क्वथनांक, घनत्व ज्यादा, बस। और बाय द वे दो यौगिकों का द्रव्यमान बराबर आ जाए तो अपन द्रव्यमान से डिसाइड नहीं कर पाए, है ना। तो यदि दो यौगिकों का द्रव्यमान बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में अपन क्या देखेंगे, शाखा देखेंगे। अब इसी चीज को अपन एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां डाल दिया CH3Cl, दो नंबर पे मैंने डाल दिया CH3CH3CH3Cl, तीन पे मैंने जैसे ऐड कर दिया CH3CH2CH2Cl, और चार नंबर पे मैंने जैसे ऐड कर दिया CH3CH2CH2CH2Cl। क्लियर? अब देखिए बच्चों, इनका क्रम अपने को डिसाइड करना है, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व का, कि बढ़ता क्रम क्या है या घटता क्रम क्या है। तो इसके द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं, वैसे तो अपने को दिख जाएगा, और एक और भी तरीका है कि कॉमन कॉमन चीजें हटाते जाओ। तो पहले मैं आपको इसको इस बारे इस प्रकार बता देता हूं कि क्लोरीन तो सभी में कॉमन हो गया, जितना द्रव्यमान इस कंपाउंड में क्लोरीन का उतना इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है।
और पूरा अगर आप निकालना चाहो तो भले ही पूरा निकालो, पूरा निकालेंगे तो कैसे, कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 1 तो 3, हाइड्रोजन है तो 12 3 15, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, और क्लोरीन को आप हटाना चाहो तो सभी में कॉमन है तो आप हटा भी सकते हो। अगर मैं इसका टोटल वेट करूं तो 10 4 1 5 50.5। यहां देखिए बच्चों, इसका टोटल वेट कितना हो गया, 12 और 3 15 15 15 30 45 45 और 35 50, 80.5, 80.5 और 12 80 92.5, समझ गया ना कैसे निकाला मैंने। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है तो 48 तो हो गया कार्बन का, 35.5 हो गया क्लोरीन का, हाइड्रोजन कितने 3 3 6 और 3 9, तो 9 हो गया हाइड्रोजन का, तो कितना आया अपने पास 8 5 13 और 9 22 2 7 और 2 9, ठीक है। ऐसे अपन इसका निकाल सकते हैं, 15 यानी कार्बन गिन लूं मैं, 1 2 3 3 कार्बन का मतलब हो गया 36, क्लोरीन हो गया 35.5, हाइड्रोजन हो गया 3 2 5 और 2 7, तो मेरे पास आ गया 6 5 11 और 7 18 1 6 1 7 78.5। यहां देखिए बच्चों, 1 2 3 4 4 कार्बन का मतलब हो गया 48, क्लोरीन का हो गया 35.5, हाइड्रोजन हो गया 3 2 5 2 7 2 9, तो इसका भी आ गया मेरे पास कितना 92.5। तो एक तरीका तो ये टोटल निकालने का, दूसरा तरीका कॉमन कॉमन चीजें हटा देना, कॉमन कॉमन चीजें हटाते हैं तो यहां देखिए बच्चों, क्लोरीन से क्लोरीन चला जाएगा सभी का, मैथिल ग्रुप से सभी का मैथिल ग्रुप चला जाएगा, तो इसका तो क्या बचा, 0 बचा, मतलब इससे ज्यादा आगे वालों का हुआ, तो वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन टोटल निकालते हो तो उसमें कुछ गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, तो आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, सबसे कम मेरा वेट किसका आ रहा है, मैथिल क्लोराइड का, तो एक नंबर जो है इसका गलनांक क्वथनांक घनत्व सबसे कम होगा, इससे ज्यादा किसका आएगा, तो इससे ज्यादा वेट जिसका है, तो इससे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, 3 नंबर, तो आगे 3 आ जाएगा। अब इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा वेट किसका है, 92.5 92.5, इन दोनों का वेट क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब कॉमन होने की कंडीशन में इस रूल के अकॉर्डिंग तो इसके बाद कौन आना चाहिए, 2 और 4 दोनों आने चाहिए, तो फिर अपन दूसरा रूल देखेंगे, दूसरा रूल यानी शाखा। तो देखिए, ब्रांच शाखा किसमें निकली हुई है, इसमें निकली हुई है, तो इसलिए इसका गलनांक क्वथनांक घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा इसके कंपेयर में, तो इसका मतलब इसके बाद मेरा कौन आएगा, 2, और सबसे ज्यादा किसका जाएगा, 4 नंबर का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, पहले आप केवल किसका यूज करेंगे, द्रव्यमान का, और द्रव्यमान ये देखिए बात बिल्कुल आसान लग रही है, लेकिन ये चीजें मैं काफी बार देख चुका हूं, इसलिए मैं इस बात पे थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूं कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, शाखे वाले में पहले देख लेते हैं, या सभी का द्रव्यमान डिसाइड ही नहीं करते, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें शाखा दिख गई तो इससे इसका ज्यादा कर देते हैं, तो इसलिए अपने को ध्यानपूर्वक ये काम करना है कि पहले अपन द्रव्यमान निकाल लेंगे, द्रव्यमान का क्रम बना लेंगे, अगर बाय द वे 2 कंपाउंड या 2 से ज्यादा कंपाउंड का द्रव्यमान बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे शाखा किसमें ज्यादा है, जिसमें शाखा ज्यादा आएगी उसका गलनांक क्वथनांक घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप ये फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं, फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या या कोई डाउट रहता है तो आप वो जरूर पूछिए। तो यहां फिजिकल प्रॉपर्टी में
अपन ने तीन टॉपिक बनाए हैं, रंग और गंध वाला, एक विलयता वाला और एक ये गलनांक वथनांक और घनत्व वाला। ठीक है, अपन जैसे बुक में देखते हैं तो वहां लिखा होता है कि इसके प्रारंभिक सदस्य गैस हैं, बाकी लिक्विड हैं और आगे वाले सॉलिड हैं। तो देखिए बच्चों, ये किस पर डिपेंड करता है? गलनांक वथनांक पर डिपेंड करता है। जिसका गलनांक कम होगा तो वो कौन से फॉर्म में आएगा? लिक्विड फॉर्म में आएगा। जिसका कवथनांक कम है वो गैस फॉर्म में आएगा। तो वो चीजें इन्हीं पर डिपेंड करती हैं। अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्टली इस चैप्टर में यही दो क्वेश्चन आपके पास आने हैं। एक तो गलनांक कवथनांक घनत्व का क्रम और या फिर जल में विलयता का क्रम। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और बाकी कोई अगर दिक्कत रहती है तो आप जरूर पूछिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास।